नमस्कार साथियों, आज हम क्या करेंगे इस पर चिलर प्लांट के बारे में समझेंगे। चिलर प्लांट के बारे में क्या समझेंगे कि हमारे चिलर प्लांट में क्या क्या मतलब सेफ्टी होती है। जैसे इंटरव्यू में आपसे कभी भी कोई ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह लेता है तो पूछता है चिलर प्लांट में क्या क्या सेफ्टी होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, पावर सेफ्टी होती है। पावर सेफ्टी के बारे में आप समझते होंगे, जैसे हमारे उस पैनल से जो पावर आएगी, इसमें पावर आएगी तो हमारे यहाँ रिवर्स फॉरवर्ड की सप्लाई होगी, यानी थ्री फेज जो आएंगे हमारे, यदि रिवर्स या फॉरवर्ड है उल्टे सीधे हो जाएंगे तो अभी हमारा ये चिलर प्लांट क्या होगा, ऑपरेट नहीं होंगे। पहली सेफ्टी ये होगी। दूसरी सेफ्टी इसमें अर्थिंग पक्का होना चाहिए। अर्थिंग आप कैसे चेक करोगे, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोल्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो अपना अर्थिंग की सेफ्टी हो गई दूसरी, ठीक है। फिर तीसरी सेफ्टी हम आपको बताते हैं इसमें किस चीज़ की आती है। देखिए, तीसरी सेफ्टी इसमें आती है, फ्लो स्विच लगे होते हैं। जैसे ये लाइनों में जो फ्लो स्विच लगे हैं, ये फ्लो स्विच इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि लाइन में हमारी मदी पानी फ्लो नहीं होगा इसमें तो हमारा क्या होगा, प्लांट गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे हो जाएगा, क्योंकि यदि फ्लो इसमें नहीं मिलेगा तो हमारे प्लांट को रीडिंग गलत आएगी। तो हमारा ये पहले फ्लो स्विच से ऑन होगा। फ्लो स्विच की सेफ्टी होती है दोनों में लगी रहती है, अपनी चिल्ड वाटर लाइन पे भी लगा हुआ है ये पीले कलर का, और एक ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ कूलिंग टावर की लाइन पे भी लगा। ये फ्लो स्विचों का काम क्या होता है, प्लांट चालू होने से पहले इनसे रीडिंग लेता है एक मिनट की ये लेता है कि पानी फ्लो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि पानी फ्लो बराबर नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा, चिलर प्लांट स्टार्ट नहीं होगा। तो हमारी कौन सी होगी, तीसरी सेफ्टी हो गई। चौथी इसमें ये सेंसर लगे हुए होते हैं जो आपको दिख रहा है, देखिए ये और ये दोनों सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर क्या काम करते हैं, पानी के डाटा को देते हैं। जैसे पानी का डाटा क्या करेगा, कितने डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है, कितने डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है, उसी हिसाब से हमारे प्लांट को लोड अनलोड करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सेटिंग होती है, इनके अंदर सेंसर बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर उसके बाद हम और भी चीज़ें समझते हैं इस प्लांट के बारे में। देखिए, अब यहाँ पे आप आ जाइए इसमें सबसे, उसके बाद फिर आती है कंप्रेसर की सेफ्टी। जो कंप्रेसर आपको ये दिख रहा है, इसमें कंप्रेसर जो आपको दो कंप्रेसर दिख रहे हैं, आप किसी एक को भी समझ लीजिए, ठीक है। इसमें सेफ्टी होती है कंप्रेसर में। सबसे पहले कंप्रेसर को दी जाती है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्विच लगे होंगे, यहाँ पे स्विच लगे हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको ये स्विच दिख रहे हैं, ये लाइट ऑन के, हाँ ये स्विच आपको दिख रहे हैं, ये लगा अपना लो प्रेशर स्विच का, यानी कंप्रेशर को यदि यहाँ से गैस लेने में लो प्रेशर लग रहा है कि लो प्रेशर गैस कम हो गई या लीक हो गई, तो अपना क्या करेगा, लो प्रेशर पे ये सामने स्क्रीन पे शो कर देगा कि भाई लो प्रेशर हो गया, गैस लीक हो गई या कम है या कुछ भी और रीजन से, तो क्या होता है, ये लो प्रेशर शो करा देता है, ठीक है, लो प्रेशर शो करा देगा। ऐसे ही फिर कंप्रेसर के लिए यहाँ पे हाई प्रेशर की सेफ्टी लगी हुई, जे HP की, यानी ये अपनी LP और ये HP की सेफ्टी है, ठीक है। LP HP की सेफ्टी लगी होती है कंप्रेसर के लिए कि अपना कंप्रेसर फालतू जो भी अपना लोड अनलोड ना हो, क्योंकि इसको प्रेशर बराबर मिलेगा तो ये बराबर एक्यूरेट काम करेगा। फिर इन सब चीज़ों के बाद ये मैनुअल सेफ्टी लगी होती है। मैनुअल सेफ्टी क्यों लगी होती है, बाय दफ़ा ये हमारी किस सेफ्टी काम नहीं करी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये हमारा मैनुअली सेफ्टी वाल यहाँ से उड़ जाएगा, सिर्फ गैस लीक होगी, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके बाद इसमें और भी सारी सेफ्टियाँ होती हैं, हम आपको दिखाते हैं। देखिए सर्दियों के दिनों के लिए ये इसमें हीटर डला होता है। सर्दियों में क्या होता है कि हमारा प्लांट हमको चलाना भी पड़ता है और बंद भी करना पड़ता है, तो क्या होता है, इस सेल के अंदर, कंडेंसर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना पड़ता है। कैसे, 27 से हमको करीबन 30 डिग्री 32 डिग्री के करीब इसको बीच में रखना पड़ता है। यदि आप उसके हिसाब से जैसे 27 से 32 डिग्री के बीच में इसमें सर्दियों में टेम्परेचर नहीं रखोगे तो प्लांट आपकी एफिशिएंसी खराब कर देगा। एफिशिएंसी मतलब समझ रहे हो क्या होगा, प्लांट ऑयल खींच के कहाँ डाल देगा, ऑयल सेपरेटर के अंदर। ऑयल सेपरेटर किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उस बीच में कंप्रेसर को क्या लगे, ऑयल चाहिए, तो ऑयल वो कंप्रेसर कहाँ से गर्म करेगा, इस हीटर से गर्म करेगा। ये भी एक अपना सेफ्टी पॉइंट होता है, हीटर लगा होता है, ये हमेशा ऑयल गर्म करके रखता है, ठीक है। उसके बाद हम और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें सेफ्टी के बहुत सारे पॉइंट लगे होते हैं। देखिए अब इसमें सेफ्टी आपको यहाँ पर दिख रही होंगी दो, और इस भी जो सेफ्टी जो लगी हुई है आपको ये दिख रहा होगा, ये ऑयल सेपरेटर है, ये ऑयल सेपरेटर में भी यहाँ पे एक हीटर डला होता है, ये भी सेफ्टी के लिए डला होता है, ये हमेशा हीट रहता है। देखिए आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये गरम गरम रहेगा, और इसके ऊपर भी यहाँ पे स्विच लगे होते हैं ऑयल प्रेशर के। यदि दोनों प्रेशरों का, इसका और इसका डाटा नहीं मिल रहा है
तो अभी ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये अपनी सेफ्टी के लिए, देखिए यहाँ पे एक सब जीरो कंट्रोलर लगा रखा है, किसके लिए, सीटी फैन के लिए, और ये खासकर कब काम करता है, सर्दियों के लिए, ठीक है, ये सेफ्टी के लिए। इसमें दो सेंसर डले हुए हैं, इन दोनों लाइनों का डाटा इसका और इसका ये लेके सीटी फैन को चालू करते हैं। सीटी फैन को देखो कैसे 32 से 26 डिग्री के बीच में ये चालू करते हैं, ये हमने चिपका रखा है। इसमें आपको सेफ्टी समझ में आ गई होंगी चिलर प्लांट में, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इसमें सेफ्टी के ही पर्पस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है चिलर प्लांट में क्या क्या सेफ्टी होती हैं, तो सबसे पहले आपको बताना होगा सर, सबसे पहले होती है हमारी पावर की सेफ्टी। यदि रिवर्स फॉरवर्ड यदि हमारा इसमें गलत पावर आएगा चिलर प्लांट में, तो हमारा चिलर प्लांट नहीं चलेगा। उसके बाद अर्थ लीकेज होगा तो भी नहीं चलेगा, सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा साहब, ठीक है। उसके बाद हमने आपको फ्लो स्विच दिखाए थे, वहाँ लाइनों पर लगे हुए जो पीले पीले, यदि उनमें से पानी फ्लो नहीं हुआ या आप इनमें से एक भी कोई पंप चलाना भूल गए तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद काय की सेफ्टी होगी सर, एलपी की होती है, एचपी की होती है, और काफ़ी सारी सेफ्टी इसमें होती हैं, ठीक है साहब। जैसे आपको और भी यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि चिलर प्लांट कैसे है क्या है, तो चिलर प्लांट अपना कुछ भी नहीं होता, सबसे मेन मशीन होती है होटल की, 60-65% यही बिजली खा जाती है। इसमें और भी चीज़ समझते हैं, देखिए हम आपको समझाते हैं। इसमें पंप कितने तरीके के होते हैं, सबसे पहला आता अपना सेकेंडरी पंप, फिर प्राइमरी पंप, और फिर कंडेंसर पंप। और इन पंपों का काम क्या होता है, देखिए सेकेंडरी पंप हमेशा चालू रहेगा, आप प्लांट शट डाउन कर दो चाहे कुछ भी कर दो, तो आपको ये पंप चलाना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे टेम्परेचर आने पर ही प्लांट कट कर दोगे तो वो चलता रहेगा। वो क्या करता है, हमारे पूरे फील्ड में एचयू में एफसीयू में पानी घुमाता है। और ये हमारा प्राइमरी पंप क्या करता है, प्राइमरी पंप जैसे प्लांट बड़ा हो जाएगा या लंबी चौड़ी जगह हो जाएगी, जब ये प्राइमरी पंप लगाते हैं, प्राइमरी पंप देगी यहीं की यहीं लाइनों में लूप रहता है, इसी इसी प्लांट के अंदर ये पानी घुमाएगा कि इसके जर्क लोड ना, एकदम लोड ना है इस पर, इसका काम ये होता है। कंडेंसर पंप आपको पता चल रहा होगा, कंडेंसर पंप हमारा कूलिंग टावर से पानी लाएगा, और पानी ला के कहाँ ले जाएगा, इस सेल के अंदर, इस सेल को ठंडा रखेगा, इस सेल को बोलते हैं क्या, कंडेंसर, ठीक है। साथियों आपको समझ में आ गई होगी वीडियो, हम आपको प्लांट अब चालू करके दिखाते हैं। देखिए प्लांट चालू करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपके ये चारों वाल खुले होना चाहिए। देखिए ये हमारे प्राइमरी सेकेंडरी पंप के वाल खुले हुए हैं दोनों, देखिए ये खुले हुए और उधर कूलिंग टावर के भी खुले हुए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे डायरेक्ट इसको चालू नहीं करेंगे। देखिए यहाँ भी डायरेक्ट यदि आप चालू कर दोगे तो ये चालू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक अलार्म आएगा, देखिए यहाँ पे अभी अलार्म शो करने लगेगा ये, कि इसमें अलार्म आ जाएगा, ठीक है। सामने देखिए ये क्या दे रहा है, वेट फॉर फ्लो स्विच, यानी ये आपको मैंने अभी सेफ्टी बताई थी, उस फ्लो स्विच की वजह से ये ऑन नहीं होगा। ऑन नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगी, पंप ऑन करने पड़ेंगे पहले। देखिए पंप ऑन होते ही यहाँ पे हमारी टाइमिंग ऑन हो जाएगी, अभी यहाँ पे टाइमिंग नहीं आ रही, क्योंकि ये प्लांट अभी हमारा ऑटो मोड पे और सेफ्टी हमारी पूरी काम कर रही है, ठीक है। अभी चालू करते हैं पंपों को। अब क्या, हमारा ये सेकेंडरी पंप तो हमेशा ही चलता रहेगा, आपको जब भी चालू बंद करना है तो वो दोनों ही पंप करना है। हम क्या करेंगे, हमारा ये प्राइमरी पंप ऑन करते हैं। जैसे ही हमने प्राइमरी पंप ऑन किया, अब हमारा प्राइमरी पंप हमने ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडेंसर पंप को ऑन करेंगे, ये हमारा वो वाला कंडेंसर पंप भी ऑन हो गया, ठीक है। फिर हमारा सीटी फैन है ये, हम इसको ऑटो में डाल देंगे कि हमारे टेम्परेचर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहे, ठीक है। तब हम चलते हैं अपने प्लांट की तरफ। अभी हमारा प्लांट देखिए वहाँ पर रीडिंग दिखाना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने जो सेफ्टी हमने चेक करी थी वो हमारी बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए ये ऊपर यहाँ पे लिखा आ गया वेटिंग टू स्टार्ट, जो आपको वेट टू स्टार्ट ये लिखा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वेटिंग टू स्टार्ट, ये हमारा पहले पंप चालू नहीं था तो ये नहीं था। देखिए यहाँ पे अभी सेकंड चालू हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये सेकंड चालू इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पंप की जो सेफ्टी थी ना वो ये वेट कर रहा था आने का, किसका, फ्लो स्विचों का। यदि आप फ्लो स्विच पंप चालू करना भूल जाएंगे तो अभी हमारा प्लांट स्टार्ट नहीं होगा। देखिए अब ये वेट टू स्टार्ट लिखा आ गया, ये हमारा प्लांट अभी चालू हो गया पूरे तरीके। देखिए वेट टू स्टार्ट, अब ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, आपको नॉइज आ जाएगा इसका कि हमारा प्लांट चलने के लिए तैयार। अब ये हमारे दूसरे सर्किट को ऑन करेगा, यानी दूसरे कंप्रेशर को ऑन करेगा, पहला वाला अभी ऑफ है। इसमें देखिए दूसरा कंप्रेशर हमारा ये वाला सर्किट, दूसरा सर्किट है इसमें, वैसे लिखा हुआ होता है, जैसे ये देखो दूसरा सर्किट लिखा हुआ है ये,
तो ये हमारा अभी ऑन हो गया, देखो आप ध्यान से, ये हमारा ऑन हो गया प्लांट, ये ऑन हो गया, ये प्लांट अभी ऑन हो गया। अब आपको इसमें देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है सामने, सर्किट अपना पहला वाला बंद है इसमें और दूसरा वाला सर्किट रनिंग में है, अपना चिलर का है मैं रनिंग मोड पर। अभी इसमें 14 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ से दिख रहा है और 15 डिग्री का इसमें देखिए क्या है, ये हमारे ऊपर वाला है जे इसका है एवोपरेटर का ठंडे पानी का टेम्परेचर है, जो ठंडे पानी का है ना, ये ठंडे पानी का टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये हमारे कूलिंग टावर का है, जो हमारा कूलिंग टावर ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा यदि हम कुछ भी करना है भूल जाएंगे इस प्लांट में, तो कैसे चालू करना है कैसे बंद करना है। अभी क्या हमारा ये चिलर प्लांट पूरी तरीके से रनिंग में आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें सेफ्टी कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे इसको चालू भी करते हैं, और भी चीज़ अपन डीपली समझेंगे इसके आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, कि चिलर कैसे काम करता है, गैस कैसे लेता है, साइकिल कैसे चलती है, वो सब चीज़ समझाएंगे।